अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। राष्ट्रीय सेवा योजना का दोनों इकाइयों का जो विशेष शिविर 15 तारीख को प्रारंभ हुआ उसका आज समापन हुआ है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जो हमने अनुभव किया और आज जो अनुभव किया उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। इससे यह लगा कि 7 दिन के शिविर में सभी छात्र छात्राओं ने सजग होकर जागरूक होकर के पूरे मनोयोग से इस शिविर में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए हैं। इस शिविर में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास तो किया ही गया, साथ ही विभिन्न विषयों के विद्वानों को बुला करके अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी इस शिविर में छात्र छात्राओं के समक्ष विचार रखे गए। मुझे उम्मीद है कि इस शिविर में जिन छात्र छात्राओं ने भाग लिया है निश्चित रूप से उनके लिए यह शिविर यादगार बनेगा और इस शिविर में जो उन्होंने अनुभव लिया है उसका लाभ उनको समूचे जीवन में मिलेगा। मेरा नाम सुबोध कुमार है और मैं SRK पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ समाजशास्त्र। हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम है, 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है पतरऊ गाँव में। तो पहले इसमें प्रथम दिन देखिए 7 दिन हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, जिसमें स्वच्छता अभियान है, मास्क वितरण है, शिक्षा से संबंधित कोई कार्यक्रम है, सफाई अभियान है, इन सब आयोजित किया जाता है। और 7वें दिन हम लोगों ने समापन समारोह किया, इसमें हमने प्राचार्य जी हमारे डॉक्टर भास्कर राय को बुलाया और बच्चों ने इसका काफ़ी एंजॉय किया है और इसको बच्चों को NSS के माध्यम से काफ़ी पर्सनलिटी डेवलपमेंट हुआ है। छात्र NSS का उद्देश्य क्या है कि कम्युनिटी सर्विस के माध्यम से उनका पर्सनलिटी डेवलपमेंट करना है, उन्हें सहयोग की भावना, संगठन की भावना, भाईचारा, संवेदनशीलता, उनका विकास हो और वो यहाँ कुछ सीखें और राष्ट्र के निर्माण में एक उचित भूमिका लें। मैं BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ SRK PG कॉलेज से और मैं गाँव गिदौरा पोस्ट मर्चेंट जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। और जो अभी जो कैंप लगा था गांव का करूँ मैं, उससे हमने जो लोगों को प्रभावित किया, शायद हमने स्वच्छता रैलियां निकाली और स्वच्छता अभियान चलाया, उससे शायद लोगों को कोई प्रभाव पड़ा होगा जहां तक हम जानते हैं। और हमने कोरोना के बारे में भी लोगों को प्रोत्साहित किया कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कल हमने मास्क वितरण भी किया था, शायद लोगों को उससे भी प्रभाव पड़ा होगा। और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे आके, बाकी मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज मुझे पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार यहाँ BA फर्स्ट ईयर में आते ही मुझे यहाँ अवार्ड दिया गया है। इसके लिए मैं सभी शिक्षक गणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आप लोगों